दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक संगठन ब्रह्म कुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका, नारी शक्ति की प्रेरणा स्रोत तथा स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर राजयोगिनी दादी जानकी का देहावसान हो गया है। वे 104 साल की थी और माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल में 27 मार्च को प्रातः 2 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। राजयोगिनी दादी जानकी जी दुनिया की एकमात्र महिला थी जिसे मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड का खिताब था। स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर दादी जानकी का अंतिम संस्कार सायं 3:30 बजे ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शांतिवन में होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दादी जानकी जी के साथ विशेष स्नेह था। दुख की इस वेला पर उन्होंने ट्वीट कर अपनी संवेदना व्यक्त की। दुनिया की दादी के नाम से मशहूर राजयोगिनी दादी जानकी ने 21 वर्ष की उम्र में ही इस आध्यात्मिक पथ को अपना लिया था। सन 1970 में भारतीय संस्कृति, मानवीय मूल्यों और राजयोग का संदेश देने के लिए पश्चिमी देशों का रुख किया था। विश्व के 140 देशों में उन्होंने ब्रह्मा कुमारी केंद्रों की स्थापना कर लाखों लोगों के अंदर एक सच्चे मानव के संस्कार का बीज बोया था। ब्रह्मा कुमारी संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि के देहावसान के पश्चात सन 27 अगस्त 2007 को वे संस्था की मुख्य प्रशासिका बनी। दादी जी नारी शक्ति की अनुपम मिसाल थीं। उनके सानिध्य में तकरीबन 46,000 युवा बहनों ने अपना जीवन ईश्वरी सेवा में समर्पित किया। वे इन 46,000 युवा बहनों के अभिभावक थीं। वे भले ही आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन हम सभी के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगी। उनका असाधारण व्यक्तित्व, विश्व कल्याण के भाव से किया गया हर कर्म सभी को आजीवन प्रेरणाएं देता रहेगा। ऐसी प्रेम वात्सल्य की मूर्त, विश्व की महान विभूति आदरणीय राजयोगिनी दादी जानकी जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।